बुलंदशहर से जेपी गौतम की रिपोर्ट। भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी ने झंडे के घेर खादर गांव में लगाए गए हैंड पंपों का लोकार्पण किया गया। विधायक ने गांव में महिला पुरुष बच्चों को मास्क वितरण किए। ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर हल कराने का पूर्ण आश्वासन दिया। ग्राम झंडू घेर खादर में भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी ने 24 हैंड पंपों का लोकार्पण किया। इस मौके पर ग्रामीण बच्चे महिला पुरुषों को मास्क वितरण किए। मिली जानकारी के अनुसार डुबाई तहसील क्षेत्र के गांव झंडू के घेर खादर में 24 हैंड पंप लगाए गए हैं, जिनका भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी ने लोकार्पण किया और ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना। रामघाट से अलीगढ़ बुलंदशहर की सीमा तक जर्जर सड़क को ठीक कराने की मांग की गई तथा गांव की मीरा यादव विकलांग महिला ने विकलांग पेंशन बनवाने की मांग की। युवा वर्ग के बच्चों ने गांव में नेटवर्क न आने की शिकायत की गई। वहीं विधायक ने समस्या सुनने के बाद लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर जर्जर सड़क को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पीपी सिंह लोधी, चेतराम सिंह लोधी, राजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, जयपाल सिंह गौतम, राजेश कुमार यादव, गैस एजेंसी वाले इंद्रपाल सिंह यादव, टीटू प्रधान, हितेंद्र सिंह लोधी, कोमल सिंह दुर्गेश आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। यहाँ कोई टावर ही नहीं है, रामघाट है और उससे बात नहीं होती है। यहाँ पर सब परेशान है, सिग्नल आता है कभी कभी, कभी बात होगी लगता नहीं सिग्नल। कौन सा वाला यहाँ पे जियो का और वोडा का चलाते हैं, तो जियो का ज्यादा, वोडा का लग जाता है। किसी को लेटर लिखा जाए जियो या बीएसएनएल को।